जवान चीमा वेलकम बैक विद अदर वीडियो दिस वीडियो इज़ अबाउट ओवरसीज प्राइम ब्लॉक जिसका मैप आज लॉन्च हुआ है और उस मैप में जो जिन जिस जगह पर जिन ब्लॉक की लोकेशन है उस हवाले से वीडियो है सो so, सबसे पहले देखते हैं जी ओवरसीज़ प्राइम का जो ब्लॉक है मैप है इसकी ओवरऑल uh, जो आउटलुक है वो कैसी है ये ओवरऑल मैंने आपके सामने पहले स्क्रीन पे जो दो मैप्स आपको नजर आए हैं मास्टर प्लान है और मास्टर प्लान में जो ये वाला ब्लॉक है ये ओवरसीज़ वन है जो पहले बैलेट हो चुका है ये वाला जो मैप है ये ओवर एक्जैक्टिव वन है जो पहले बैलेट हो चुका है और ये एक्जैक्टिव सॉरी ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक है जिसमें आपको लोकेशन चूजिंग की ऑप्शन है ये तमाम के तमाम सेक्टर जो हैं ये ओवरसीज़ प्राइम में आते हैं इसमें कोई और ब्लॉक शामिल नहीं है यहाँ पर जितने प्लाट्स हैं उनमें आप ओवरसीज़ प्राइम में फोर्टी परसेंट प्लॉट की लोकेशन चूजिंग कर सकते हैं फोर्टी परसेंट आप फ्रंट पे करके आप प्लॉट की लोकेशन चूजिंग कर सकते हैं अभी ओवरसीज टू एक्जेक्टिव टू एंड हार्मी पार्क ब्लॉक का मैप नहीं आया और हार्मी पार्क के अलावा ये तीन ब्लॉक्स रहते हैं जिनके भी बैलेटिंग होनी है इसकी ओवरसीज़ प्राइम की बैलेटिंग नहीं हुई लेकिन इसका मैप आ गया क्योंकि ये चक्री रोड पे एक्सेस टू एक्सेस थ्री के दरमियान में दो गेट्स के दरमियान वाक्य है जो मेन गेट है कैपिटल स्मार्ट सिटी का ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक का वो गेट यहाँ पर बनेगा तो इस गेट के साथ जाहिर सी बात है जो आउटलुक है वो इंपॉर्टेंट होती है कोई भी विजिटर या स्मार्ट सिटी जब विजिट करे तो स्मार्ट सिटी में जो सबसे पहला ब्लॉक आता है ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक आता है तो ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक का ये मैप है इसमें मैं तमाम सेक्टर्स एक्सप्लेन करूँगा कि कौन सा ब्लॉक कहाँ पर फॉल करता है और उसमें किस कैटेगरी के प्लॉट्स हैं एंड ओवरऑल तमाम डिटेल्स और इसमें ओवरसीज़ प्राइम के ब्लॉक के हवाले से स्टार्ट करते हैं जी सबसे पहले ओवरसीज प्राइम के ब्लॉक ए से ब्लॉक ए में जो प्लाट्स हैं ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं uh, जो कमर्शल प्लाट्स हैं एट मरला वो एक्सप्लेन करता हूँ जो एट मरला कमर्शल प्लाट हैं ये एक्सेस थ्री पे आते हैं जिसका पुराना नाम एक्सेस टू था ओल्ड मैप पे तो इसका नाम अभी एक्सेस थ्री कर दिया गया है ये जो आठ मरला कमर्शियल प्लाट हैं ये टोटल थर्टी फाइव प्लाट्स हैं जो मेन बलेवर्ड पर वाक्य हैं और इनकी बैक साइड पर और ये सारे प्लाट फ्रंट बैक ओपन है यानी इनके बैक साइड से भी ओपन स्पेस होगी तो ये फ्रंट बैक ओपन प्लाट्स हैं नेक्स्ट जो फोर मरला कमर्शल प्लाट्स हैं ये इसकी बैक पर वाक्य हैं यानी बीच में थोड़ी स्पेस है उसके बाद प्लाट्स हैं और सामने कमर्शल लेन है जिसकी विथ है सेवेंटी फीट तो ये वाले सारे प्लाट भी कैटेगरी प्लाट्स होंगे मोर देन फोटी फीट लेस दैन हंड्रेड फीट टेन परसेंट एक्स्ट्रा चार्जेस इन सारे प्लाट पर लागू होंगे और इस प्लाट पर भी तमाम प्लाट टेन परसेंट एक्स्ट्रा लागू होंगे चार्जेस टेन परसेंट ही बल्कि ट्वेंटी परसेंट क्योंकि फ्रंट बैक ओपन है तो प्रिंसिपल uh, प्राइस का ट्वेंटी परसेंट एक्स्ट्रा इन पर डबल कैटेगरी प्लॉट बनता है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी सेक्टर ए से, से सेक्टर ए में जितने प्लाट्स हैं वो तमाम के तमाम सोल्ड आउट नहीं है इनमें एक प्लाट भी सेल नहीं किया गया इसमें जितने प्लाट्स हैं टाउन हाउसेस हैं जैसे कि आपको जो लोग ओवरसीज से ये वीडियो देख रहे हैं यूके से या uh, अर्बन स्टेट से उनको आइडिया होगा जैसे कॉन्डोमिनियम्स uh, होते हैं उसी तरह यहाँ पे ओवरसीज uh, में uh, डुप्लेक्स होम्स होते हैं टाउन हाउसेज जिसे कहते हैं जो ग्राउंड प्लस टू यानी कि डबल स्टोरी हाउसेज होते हैं एंड एडजस्टन टू अदर एडजस्टन टू सेकेंड होम जो एक लेन में होते हैं और कम्बाइन घर होते हैं काफ़ी ज़्यादा इसी तरह ये सारे टाउन हाउसेज के कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि ये वाले प्लाट्स हैं यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टेड हाइट अलाउड है वो है ट्वेंटी एट फीट और इसमें लोअर ग्राउंड ग्राउंड फर्स्ट जो अभी आर डी के बायोलॉज है उनके मुताबिक और यहाँ पर सेकेंड फ्लोर की इजाज़त नहीं है और यहाँ पे ग्राउंड प्लस टू यानी ग्राउंड वन टू इस तरह बनेंगे ये हारमी पार्क ब्लॉक अपार्टमेंट बिल्कुल नहीं है ये टाउन हाउस काफी ज्यादा लग्जरी प्रोजेक्ट होगा अभी ये लॉन्च नहीं किया गया लेकिन आने वाले दिनों में जब लॉन्च होगा तो मैं आपको इसकी डिटेल्स बता दूंगा ये ब्लॉक ए में वाक्य है इसके लेफ्ट साइड पर जो सिल रिवर के साथ एडजस्टेंट कमर्शल्स हैं ये चार मरला और आठ मरला के कमर्शल्स नहीं हैं ये जो प्लाट्स हैं ये एक किनाल से लेकर दो कनाल के कमर्शल होंगे जो बड़े मेगा कमर्शल्स हैं ये उनमें से एक होंगे जो सिल रिवर के साथ होंगे मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे फूड कोर्ट या इस तरह की चीजें बनेंगी इसके अलावा जो ये वाले चक्री रोड के ऊपर फ्रंट पर कमर्शल है यहां से लेकर इस तरफ तक ये सारे कमर्शल जो हैं ये भी सारे दो कनाल चार कनाल और छह किनाल

आते हैं जी बैक टू रेजिडेंशियल प्लॉट्स सेक्टर बी पे सेक्टर बी इज़ जस्ट लाइक सेक्टर एफ़ और सेक्टर एल ओवरस वन जहाँ पे मिक्स कैटेगरी के प्लॉट्स हैं पाँच मरला सात मरला और बारह मरला वहाँ पे अवेलेबल हैं यहाँ पे सात मरला क्योंकि सबसे छोटा प्लॉट यहाँ पे सात मरला का है बारह मरला और एक कनाल तो समझ लें कि पाँच मरला को यहाँ से निकाल दिया गया है उस जैसे ओवरसीज एफ फॉर एल ब्लॉक में है वो एक मिक्स ब्लॉक होता है तो इस तरह ये ओवरसीज़ प्राइम का समझ लें कि एफ या एल ब्लॉक है सेकेंड जी सेक्टर बी में जितने प्लाट्स हैं उनमें सात मरला जो प्लाट्स हैं यहाँ पर मिनिमम रोड फोटी फ़ीट है और बारह मरला में फिफ्टी फ़ीट है और किनाल में फिफ्टी फीट मिनिमम रोड है तो ये कनाल के जितने प्लाट्स हैं ये तमाम कैटेगरी प्लाट्स हैं फोर्टी फीट से लेकर हंड्रेड फीट के, के दरमियान जो भी एक्स्ट्रा रोड होगी उसके टेन परसेंट एक्स्ट्रा चार्जेज आपको पे करने होंगे जिस तरह मैंने कमर्शल का एक्सप्लेन किया सेम रीज़न जिडेंशियल चार मतलब ये वाले कमर्शियल ये वाले तमाम कैटेगरी प्लॉट नहीं है क्योंकि ये फ्रंट बैक ओपन नहीं है ये वाले सारे फ्रंट बैक ओपन है तो टेन परसेंट आपको यहाँ पे पे करना है इसी तरह यहाँ पे तमाम में फिफ्टी फीट की रोड है तो आपको टेन परसेंट प्रिंसिपल प्राइस का एक्स्ट्रा पे करना है एक कैटगरी प्लाट आप वैसे मेन रोड कैटेगरी आप ऑलरेडी ले रहे हैं अच्छा जी नेक्स्ट इज सेक्टर सी सेक्टर सी में बारह मला कमर्शियल प्लॉट बारह रेजिडेंशियल प्लॉट हैं और इसकी बैक साइड पे चार मला कमर्शियल्स हैं और ये जो रेड आपको नजर आ रहा है ये एफ़ वन ई एफ वन आर यानी कि जो मॉस का प्लॉट या एजुकेशन स्कूल का प्लॉट ये वो वाले प्लाट्स हैं और बारह मला कमर्शियल प्लॉट जो हैं ये सारा uh, जिस तरह एवरसिस वन में सेक्टर ए और सेक्टर सी दे आर जस्ट टेन मरला प्लॉट्स इसी तरह ये सेक्टर सी होगा जो पूरा ब्लॉक सिर्फ एक ही कैटेगरी के प्लॉट सिर्फ और सिर्फ ट्वेल्व मरला थ्री हंड्रेड स्क्वेर यार्ड फोटी टू सिक्सटी एट या फोर्टी टू सेवेंटी के प्लॉट्स होंगे टोटल सेक्टर सी में नेक्स्ट इज सेक्टर डी सेक्टर डी में सिर्फ और सिर्फ पाँच मरला के प्लाट्स हैं जस्ट लाइक सेक्टर ई ऑफ ओवरसीज़ वन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सात मरला प्लाट्स हैं वहाँ पर पाँच मरला है यहाँ पर सात मरला क्योंकि यहाँ के जो सात है से पाँच ही समझिए क्योंकि यहाँ पर जो पाँच मरला प्लाट हैं वो कुछ एक्स्ट्रा लैंड बचने के बाद ये मैंने प्लाट का पूछा था सोसाइटी के ऑफिशियल मैनेजमेंट से हायर अथॉरिटी से कि ये वाले जो प्लाट हैं ये ओवरसीज़ प्राइम में आपने पाँच मल्ला और साढ़े तीन मरह के प्लाट नहीं बेचे जिस यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लैंड बच गई तो हमने यहाँ पे पाँच मल्ला और तीन मरला के प्लाट साढ़े तीन मल्ला के प्लाट ऐड कर दिए हैं ये जो पहले सेल किए गए हैं पार्क ब्लॉक में ये वो वाले नहीं होंगे इनको सेपरेटली बाद में सेल किया जाएगा और हारनी पार्क के जिस तरह अपार्टमेंट्स पहले थे उस तरह ये एफ ब्लॉक के साथ यहाँ पे क्योंकि अब मोटरवे की जो इंटरचेंज है उसकी थोड़ी सी लोकेशन रिवाइज हुई है मैं आपको वो भी थोड़ा सा पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ उस मैप पर आने से पहले ये वाला जो पॉइंट है अभी जो इंटरचेंज पहले यहाँ थी इसको अब थोड़ा सा रोटेट करके इस तरफ मूव कर दिया गया जैसे भी मैं पाकिस्तान रोटेट कर देता हूँ ये वाली जो इंटरचेंज है इस तरफ नीचे की तरफ आ गई है और एफ़ के साथ जो ये वाला एरिया खाली था यहाँ पे टू बेड साढ़े तीन मरला के अपार्टमेंट्स अभी आने वाले आने वाले दिनों में लॉन्च होंगे फॉर द टाइम बिंग नहीं हुए लेकिन जैसे पहले कहा गया था कि वन बेड साढ़े तीन में सिर्फ वन बेड का ऑप्शन था अभी यहाँ पर कुछ और ऑप्शन भी एड होंगे हारनी पार्क ब्लॉक का अभी तक मैप आउट नहीं हुआ उसकी मैं आपको फिर से बता दूँ क्योंकि हारनी पार्क ब्लॉक का ये मैंने आज कंफर्म किया था स्पेसिफिकली कि ये वाले जो प्लॉट्स हैं ये हारनी पार्क ब्लॉक के हैं दइड नहीं ये हारनी पार्क ब्लॉक के अपार्टमेंट प्लॉट्स नहीं हैं और ये जो अपार्टमेंट्स के प्लाट हैं प्लस ये एंड ये वाले प्लाट्स सारे ये सारे ग्राउंड प्लस फाइव ग्राउंड प्लस फोर गोल्फ कोर्स फेसिंग अपार्टमेंट्स होंगे और ये भी हारमी पार्क अपार्टमेंट्स में से नहीं है जो ओवरसीज प्राइम का सबसे ज़्यादा जो लग्जरी स्पेस होगी वो ये वाली लेन है इस स्ट्रीट से अगर आप इस तरफ काउंट करें यानी अगर आप ये इस स्ट्रीट पर आ रहे हैं ये वाली जो मेन रोड है मैं जूम कर देता हूँ ये जो मेन रोड है इससे जो इस तरफ ऊपर वाली साइड पर जितना प्लॉट्स हैं ये सारे हाई लग्जरी कॉन्डोस यहाँ पे और यहाँ पे चार मला कमर्शियल्स और यहाँ पे फिर हाई लग्जरी कॉन्डोमियम्स और यहाँ पे किनाल के फोर किनाल के प्लॉट्स जो टोटल प्लॉट हैं नाइन प्लॉट्स हैं फोर किनल के फार्म हाउसेज और यहाँ पे टू किनाल के प्लॉट्स ये सारे प्लाट्स हैं ऑलमोस्ट गोल्फ कोर्स के अंदर हैं तो यहाँ पे जो गोल्फ कोर्स के अंदर अपार्टमेंट्स सेल किए जाएंगे फ्यूचर में और ये यह यहाँ पे वो वाले अपार्टमेंट्स बनेंगे नेक्स्ट इज के जी ब्लॉक सी आई अगेन बैक टू रेजिडेंशियल प्लॉट्स सेक्टर सी का मैंने बता दिया सेक्टर uh, सी में ये मॉस्क है ये मॉस्क या स्कूल वट एवर द केस में भी अभी यहाँ कन्फर्म नहीं हुआ फॉरमुला कमर्शियल प्लॉट्स थर्टीन टू थर्टी के प्लॉट्स ये आ गए यहाँ और नेक्स्ट सेक्टर डी में मैंने बता दिया आपको कि सिर्फ और सिर्फ सेवन मल्ला के प्लॉट्स हैं सेक्टर ई में भी सिर्फ और सिर्फ सेवनमरला के प्लॉट्स हैं इनमें थर्टी इंटू फिफ्टी थ्री वन सेवेंटी फाइव स्क्वेयर ईयर के प्लॉट। और अब इनके साथ साथ मैं आपको लैंड भी दिखाता चाहूँ ताकि आपको आइडिया होता रहे ये चक्री का मेन रोड है इसके साथ साथ ये कमर्शियल प्लाट्स आएंगे और ये वाला पार्ट जो है काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड पार्ट कहलाता है मैं इनफैक्ट आपको पूरा मैप इसकी विजिबिलिटी हटा कर मैं पहले आपको साइट दिखा दूँ यू प्राइम की एक्चुअल साइट है और इसमें ये वाला जो आपको पार्ट नज़र आ रहा है ये पहले नेशनल गार्डन एक सोसाइटी थी जिसका अभी यहाँ पे वजूद नहीं है ये सोसाइटी कैपिटल स्मार्ट ने एक्वायर कर ली लैंड और अगर इसकी लैंड को पहले देखा जाए तो ये लैंड को इस तरह से दिखाई देती थी पास्ट में उससे पहले देखा जाए तो इस तरह से दिखाई देती थी अभी फॉर द टाइम बिंग गूगल अर्थ की इमेजेस अपलोड अपडेट नहीं हुई लेकिन फ्यूचर जो एक्चुअल अगर आप साइट विजिट करते हैं मैं इनशाला नेक्स्ट वीडियो इसकी जो मैंने कल रिकॉर्ड की थी और प्राइम की मैं आने वाले दिनों में अपलोड कर दूंगा एक दो दिन में ताकि आपको आइडिया मिल सके कि सिस प्राइम में जब भी मैं वीकली या सिक्स डेज सेवन डेज बाद विज़िट करता हूँ और प्राइम ब्लॉक में तो आप लास्ट वीडियो से अगली वीडियो का कंपैरिजन बना सकते हैं कि देखें लास्ट वीक ये काम हुआ था इस वीक ये हो गया है क्योंकि हर वीक वहाँ पे कुछ ना कुछ नई चीज़ डेवलपमेंट वाइज ऐड हुई होती है एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दूसरी बात कि यहाँ पर ये यह जो मोटरवे का इंटरचेंज यहाँ पे मैं दार बनेगा इसके साथ से एक सर्विस रोड भी निकाला जा रहा है जो मैंने अभी कल के विजिट में ये साइट पे देखा था लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उस वक्त क्लाइंट्स के साथ था इन्वेस्टर्स के साथ तो मैं आपकी वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सका लेकिन आने वाले दिनों डोमेंशल रिकॉर्ड करूँगा यहाँ पर भी एक्सेस रोड बन रहा है मोटरवे से मार्च ऑनवर्ड्स इंडिविजुअली आप स्मार्ट सिटी में अगर विजिट करते हैं तो मोटरवे से उतर कर आपको आपको चक्री रोड पर नहीं जाना पड़ेगा चक्री इंटरचेंज की तरफ यानी पे अभी जो फॉर द टाइमबिंग विजिट होता है वो आप यहाँ से गुजर के पूरा चक्री रोड तक जाते हैं एंड तक और फिर चक्री रोड से आप नीचे उतर के दोबारा वापसी रावलपंडी की तरफ आते हैं तो तब आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो फोर्टी फोटी फाइव फिफ्टी किलोमीटर आप एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करते हैं आज स्मार्ट सिटी में पहुँचने के लिए तो ये हो गया जी ओवरऑल ब्लॉक डी तक की बात ब्लॉक ई की बात ये हो गया सात मला प्लॉट उसके बाद आता जी एफ ब्लॉक एफ ब्लॉक में जो प्लॉट हैं डी ई e, एफ इसमें जो एफ ब्लॉक में सिर्फ कनाल के प्लॉट्स हैं और ये सबसे ज़्यादा आप कह लें कि लग्जरी ब्लॉक होगा रीज़न उसकी ये कि यहाँ पर सिर्फ कनाल दो कनाल और चार कनाल के प्लाट्स हैं और इससे भी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ब्लॉक में सिर्फ दो एंट्रीज़ हैं यहाँ से और एक एंट्री है सिर्फ यहाँ से अदरवाइज पूरा ब्लॉक एक लॉकड ब्लॉक है इस ब्लॉक में जो ये वाले प्लॉट्स हैं ये सारे प्लॉट जो ये, आ, हैं ये कुछ प्लॉट्स डबल कैटेगरी हैं बल्कि सारे डबल कैटेगरी हैं और कुछ प्लॉट ट्रिपल कैटेगरी हैं फॉर एग्जांपल ये वाला जो प्लॉट है ये वन ऑफ दोज प्लॉट जो बहुत रेयर प्लॉट हैं जो आप कह सकते हैं यहाँ पे जैसे ये प्लॉट है ये वाला प्लॉट है विद थ्री साइड ओपन ये कॉर्नर भी है ये फ्रंट भी ओपन है बैक भी ओपन है डबल कैटेगरी मेन रोड ट्रिपल कैटेगरी तो ये ट्रिपल कैटेगरी प्लॉट जिस तरह यहाँ बनते हैं सेम गोज़ फॉर दिस टू कनाल प्लाट ये भी ट्रिपल कैटेगरी प्लॉट है कॉर्नर फ्रंट मेन रोड एंड फ्रंट बैक ओपन तो ट्रिपल कैटेगरी प्लॉट तो इसकी जो प्रिंसिपल प्राइस है उसका थर्टी परसेंट आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा प्लस एक्स्ट्रा लैंड चार्जेस भी शामिल हैं तो ये हो गया ब्लॉक एफ़ इसमें भी सिर्फ कनाल दो कनाल और चार कनाल के प्लाट्स हैं इस ब्लॉक की अच्छी बात यह कि ब्लॉक ऑलमोस्ट जो है तकरीबन तकरीबन गोल्फ कोर्स के अंदर ही है क्योंकि जो आपको पीछे ये वाले विलाज नज़र आ रहे हैं येलो वाले, वाले ये गोल्फ कोर्स के अंदर जो भी जिनका मॉडल विलाज यहाँ पर बन रहे हैं ब्लॉक ए में ये वाले विलाज बन रहे हैं इन मॉडल विलाज की तर्ज पर गोल्फ कोर्स के अंदर ये विलाज बनाए जाएंगे जिसमें इवन आपके गोल्फ के केॉर्स होल्स हैं वो भी देख सकते हैं होल नंबर थर्टीन होल नंबर फोर होल नंबर ट्वेल्व होल नंबर फाइव होल नंबर फोर्टीन होल नंबर एट आई गेस एंड रेस्ट हट जो गोल्फ खेलते हो आप यहाँ पे थोड़ी देर साए में रुक के आराम करते हैं प्लस ये गोल्फ कोर्स की जितनी प्रेमिस इसके आने वाले दिनों में डिटेल मैप आएगा लेकिन फॉर द टाइमिंग यहीं तक मैप्स का लॉन्च हुआ ये हो गया जी आगे ब्लॉक एफ़ के बाद आता है जी ब्लॉक जी ब्लॉक जी में जो प्लॉट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ दो कैटेगरी के प्लॉट हैं एक एक नाल के प्लॉट्स जो मेन रोड के बिल्कुल ऊपर हैं और ये वाले लैंड ऑलरेडी लेवल लैंड है अगर आप साइड विजिट करते हैं तो ये वाले आपको एरिया सारा इट्स देख सकते हैं ये सारा एरिया यहाँ तक लेवल हो चुका है और ब्लॉक जी में सेकंड कैटेगरी बनती है दस मरला के प्लॉट्स की ये भी एरिया ये ब्लॉक जी की जो बहुत अच्छी बात है स्पेशली इन प्लॉट्स की ब्लॉक ई e के ई वाले जो प्लॉट्स हैं ये सारे काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड प्लॉट्स हैं यानी कि अगर आप साइट पर विज़िट करते हैं और उस प्राइम का सबसे एलिवेटेड पॉइंट अगर देखना चाहते हैं तो आपको जो एलिवेटेड मोस्ट एलिवेटेड पॉइंट मिलेगा वो आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट से मिलेगा तो जो भाई मुझे मैसेज कर रहे थे वॉर्ट द लोकेशन चूजिंग के कौन से प्लॉट एलिवेटेड होंगे कौन से एलिवेटेड नहीं होंगे तो एज ए होल दीज टू सेक्टर्स आर क्वाइट एलिवेटेड तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा आउटलुक मिलेगी इनका एक सारे ड्रॉबैक जो है बैक साइड से शुरू में ये वाले जो प्लॉट्स हैं इनका कुछ ड्रॉबैक ये कि ये कमर्शल के साथ होंगे कमर्शल फेसिंग ही होंगे क्योंकि तमाम प्लाट जो हैं वो इस तरह से फेसिंग है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको चार डायरेक्शन एक्सप्लेन कर दूँ क्योंकि मोस्टली लोग इस चीज़ पर बड़ा फोकस करते हैं कि साउथ फेस करो तो इसमें चार डायरेक्शन जो बनती हैं ब्लॉक uh, डी की मैं एक्सप्लेन करता दूँ नॉर्थ साइड पे इसके सेक्टर सी है इसके ईस्ट साइड पे सेक्टर डी है सेक्टर ई e के जो वेस्ट साइड पे है वो एफ है और इसके साउथ साइड पे जो बनता है वो सेक्टर जी बनता है तो सेक्टर जी की अगर हम चार साइड्स की बात करें नॉर्थ पे ई e, ईस्ट पे आप कह लें कि कमर्शियल्स और इसके अगर कह लेंगे वेस्ट पे तो इसके ब्लॉक एच और अगर इसकी बात करें बैक साइड पर यानी कि साउथ साइड पर तो इसके बनता है ये मेन बुलेवर्ड प्लस ये वाले कमर्शियल्स जो ये मेन बल्लेबर्ड है ये इसकी वेट है वन एटी फीट तो ये इसके भी तमाम प्लाट्स डबल कैटेगरी प्लाट हैं जैसे ये वाले प्लाट ये ट्रिपल कैटेगरी है कॉर्नर एंड मेन रोड बल्कि डबल कैटेगरी प्लाट है लेकिन यह ट्वेंटी फाइव परसेंट एक्स्ट्रा होगा क्योंकि ये जो मेन रोड है ये हंड्रेड फीट अबव है और ये वाला मेन रोड भी जितने प्लाट्स हैं तमाम प्लॉट जो है ये कैटेगरी प्लॉट है विद 15 परसेंट एस्ट्रा चार्जेस एंड दीज कॉर्नर आर 25 परसेंट एक्स्ट्रा चार्जेस ये वाला जो प्लॉट है ये मेन रोड से एडजस्टेंटेंट है बट कॉर्नर है ओनली 10 परसेंट एक्स्ट्रा तो ये कटेगरीज में एक्सप्लेन एक् कर रहा हूँ कि कल को लोग ये ना कहीं जैसे डेवलपमेंट चार्जेस आज ही ऐसे हो गया ऐसे हो गया बताया नहीं था तो इसमें तमाम कैटेगरी चार्जेस हर प्लॉट जो है ओवरस प्राइम ब्लॉक में वो कैटेगरी प्लॉट है यानी हर प्लॉट जो है वो मेन रोड का प्लॉट काउंट होता है मेन रोड की विथ जो है वो फोटी से लेके अगर नाइन हंड्रेड फीट के, 90, 100 के 40 से फोटी से लेकर हंड्रेड फीट है तो टेन एक्स्ट्रा चार्जेस और अगर फे हंड्रेड फीट से अबव है तो फिफ्टीन परसेंट एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने होंगे जी ब्लॉक के बाद आगे मूव करते हैं जी एच ब्लॉक की तरफ जो कनाल के दो मोस्ट फेवरेट ब्लॉक हैं इट इज़ वन ऑफ दोज ब्लॉक क्योंकि ऑलमोस्ट गोल्फ कोर्स के अंदर है प्लस ये एफ ब्लॉक से एडजस्टमेंट भी है तो इट्स क्वाइट फेवरेट तो ये हो गया इसमें सिर्फ एच ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ कनाल के प्लॉट्स हैं और इसमें तमाम के तमाम प्लॉट्स आप देख सकते हैं डायरेक्टली तकरीबन तमाम के तमाम प्लाट्स को वन एटी फिट रोड से एक्सेस मिलती है ये वन एटी फिट रोड है यहाँ से आप एंटर हुए टिल दिस लास्ट प्लाट नंबर सेवेंटी नाइन एंड प्लाट नंबर ट्वेंटी आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलती है मेन रोड की तो ये इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा प्राइम ब्लॉक है कि अच्छा ब्लॉक है कि डायरेक्टली हर ब्लॉक को मेन रोड से एक्सेस मिलती है एच आई जे जी, जी आ जाता है डायरेक्टली आई ब्लॉक आई, आई थिंक इन्होंने फिर यहाँ पर जिस तरह ओवरसीज़ वन में कमर्शियल प्लाट के लिए आई ब्लॉक रखा था या मैं बल्कि ओवरसीज़ सीजन वन का मैं आपके साथ ऑन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया होता रहे और सीजन में जिस तरह ये वाला ब्लॉक है आई ब्लॉक ये सारा तमाम ब्लॉक में हाई राइज अपार्टमेंट्स प्लस यहाँ पे कमर्शियल है तो सेम लाइक दिस ये वाला जो ब्लॉक आई है यहाँ पे आई ब्लॉक को यहाँ पे भी कमर्शियल के लिए रिजर्व किया गया है यहाँ पे जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो आ, कुछ डिफरेंट टाइप के प्लॉट हैं यहाँ पे से चार कमर्शियल प्लॉट्स हैं वहाँ पर चारमाला और आठ मला दोनों मिक्स थे और यहाँ पे जो कॉन्डोज कॉनोमिनियम्स हैं यहाँ वो बनेंगे जो गोल्फ कोर्स फेसिंग होंगे जिस तरह आप एटीन में देखते हैं पविलियन वन पविलियन फोर पवीलियन एट इस तरह यहाँ पे भी गोल्फ कोर्स फेसिंग अपार्टमेंट्स होंगे जो काफ़ी ज़्यादा हाई एंड लग्जरी अपार्टमेंट्स होंगे इन पर ना भी को प्लान लॉन्च किया गया ना इनके कमर्शियल कोई ऐसा चीज़ लॉन्च की गई है इनमें से हर अपार्टमेंट जो होगा वो कॉर्नर अपार्ट के अपार्टमेंट होगा बिकॉज ये अपार्टमेंट का प्लॉट है इसका फ्रंट भी ओपन है बैक भी ओपन है फ्रंट पे भी गोल्फ कोर्स व्यू है बैक पे भी गोल्फ कोर्स व्यू है एंड सो फॉर एंड सो ऑन तो ये हो गया आपका आई ब्लॉक आई ब्लॉक के बाद आ जाता जी आपका जे ब्लॉक और जे ब्लॉक में जो प्लाट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ दस मला के प्लाट्स हैं तमाम के तमाम प्लाट्स मेन रोड एडजस्टेंड हैं और मेन रोड सिमराध यानी कि जो चक्री रोड है अब चक्री रोड की खास बात यह कि चक्री रोड पे ये वाला जो पार्ट है इस गेट से लेके यहाँ तक सोसाइटी ने यहाँ पे एक अपना मेन रोड बनाना है उसके बाद उसके ऊपर कमर्शल प्लाट लॉन्च करने हैं जिस तरह यहाँ पे एक मेन रोड बनेगा ये वाला मेन रोड जो मेन एक्सेस टू कह लें एक्सेस वन कह लें इस मेन रोड पर बल्कि इनफैक्ट आपको कुछ नज़र भी आ रहा है ये मैंने कुछ सेटेलाइट इमेजेस ऑन किया ये आपको गूगल अर्थ पे भी इमेजेस अपडेट अपडेट नहीं हुई क्योंकि ये वाला गेट अब एग्जिस्ट नहीं करता ये नेशनल गार्डन का गेट था बहरहाल ये जो मेन रोड है इसके ऊपर जो प्लॉट होंगे कमर्शियल प्लॉट ये भी बड़े प्लाट्स हैं जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, था और जो ये वाले प्लाट्स हैं इसकी बैक साइड पर सेक्टर जे में ये टेन मरला के रेजिडेंशियल प्लाट्स हैं ये वाला प्लाट भी सारा काफ़ी ज़्यादा लेवल्ड पार्ट है और ये वाला पार्ट भी होपफुली अक्टूबर 2021 तक इसका पोजेशन मिल जाएगा तो जो जिन इंडिविजुल ने यहाँ चूज़ करना है उन यहाँ पे चूज़ करना है सेक्टर जी में चूज़ करना है या सेक्टर एच में चूज़ करना है या सेक्टर के में ये वाले ब्लॉक्स जो हैं ऑलमोस्ट लेवल्ड ब्लॉक हैं तो यहाँ पर आपको जो पोजेसन है कंपेरिजन टू तो अदर ब्लॉक्स वहाँ पे काम थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि जो लैंड है वो रफ लैंड है हाइटेड लैंड है लिविटेड लैंड है तो उसको कटिंग फिलिंग में टाइम लगेगा यहाँ जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा कंपेरिजन टू अदर ब्लॉक्स जल्दी पोजिशन मिल जाएगा नेक्स्ट इज ये जी जे ब्लॉक के बाद सेक्टर के के ब्लॉक भी सिर्फ दस मरला का है यहाँ पर इनफैक्ट जो कमर्शियल प्लॉट की बैक साइड है ये मेन रोड फेसिंग कमर्शियल है बैक साइड पे जितने प्लॉट्स हैं ये के और जे में ये तमाम के तमाम दस मरला प्लॉट्स हैं और ये भी तमाम प्लॉट्स कैटेगरी प्लॉट्स हैं इनमें तमाम प्लाट्स के सामने मेन रोड आता है नेक्स्ट इज ब्लॉक एल एल ब्लॉक में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो प्लॉट्स हैं वो सात मरला के प्लॉट्स हैं पूरे ब्लॉक में जिस तरह आप कह लें कि पूरा एक ई e सेक्टर बनता है रेजिडेंशियल सॉरी इसका ओर वन का सेम यहाँ पे एल ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ सेवन मरला के प्लॉट्स हैं ये आगे जो लैंड बचती है आई थॉट ये हार्मी पार्क ब्लॉक है लेकिन हार्मी पार्क ब्लॉक उन्होंने कहा जितना ना पाँच मलाल्ला के प्लाट्स हैं सिर्फ साढ़े तीन मला के प्लाट्स हैं ये वाली लैंड एक्स्ट्रा लैंड बच गई थी ये वाले प्लॉट अभी सेल नहीं किए गए और मे भी आगे इसको फ्यूचर में आने वाले दिनों में इसको सेल किया जाए क्योंकि ये वाले प्लाट भी जो हैं ये मोस्ट प्रोबली सबसे जल्दी रेडी होने वाला एरिया होगा क्योंकि ये ब्रिज के साथ है जो एंट्रेंस ब्रिज है उसके साथ है प्लस ये काफ़ी ज़्यादा एक लेवल्ड एरिया ऑलरेडी तो इसको काफ़ी टाइम जल्दी ये डेवलप हो जाएगा इस वाला एरिया ये जो थ्री पॉइंट फाइव मरला ट्वेंटी बाई फोर्टी और जो पाँच मरला ट्वेंटी फाइव इंटू फोर्टी फाइव के प्लाट्स हैं ये वाले प्लाट्स ये ओवरसीज प्राइम के ही प्लाट्स हैं लेकिन इनको अभी तक सेल नहीं किया गया फ्यूचर में सेल किया जाएगा ये मैंने मैनेजमेंट से कन्फर्म किया था बिकॉज आई वॉज रियली हैप्पी कि प्राइम ब्लॉक के बिल्कुल साथ मैं काफ़ी खुश था कि यहाँ पे साढ़े तीन वाला प्लाट्स आ रहे हैं तो जिन इंडिविजुअल ने हार्मी पार्क ब्लॉक में प्लॉट लिए हैं उनको लोकेशन बहुत आउटस्टैंडिंग मिल रही है ये दोनों अपार्टमेंट अगर ये लड़ से जी पाँच वाला अपार्टमेंट और ये प्लाट्स हों तो गोल्फ कोर्स फेसिंग लुक मिल रही है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाती है बट दीज प्लाट्स आर नॉट फॉर सेल अभी तक लेकिन अब जब फ्यूचर में सेल किए जाएंगे तो मैं आपको इस हवाले से अपडेट कर दूँगा सो व्यूज दिस वॉज इट फ्रॉम टुडे ये था ओवरसीज प्राइम ब्लॉक के जितनी डिटेल्स थी उस हवाले से मैंने एक्सप्लेन कर दिया अब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जिसपे मोस्टली बहुत सारे इन्वेस्टर्स की नज़र है जिस जिन लोगों ने 18 में कभी इन्वेस्ट किया इनका 18 का पता है तो उन लोगों को इस चीज़ का काफ़ी हद तक आइडिया होगा या इस इंतज़ार में मेरे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो इस वेट में जो इन दो ब्लॉक्स में आपको प्लॉट नज़र आ रहे हैं ये जो प्लॉट्स हैं ये विलाज हैं बेसिकली ये गोल्फ कोर्स के अंदर सेल किए जाएंगे और इनकी प्राइज़ एटीन में जो अगर कनाल का विला है नाइन पॉइंट फाइव करोड का तो यहाँ पर इसका हाफ होगा यानी फोर पॉइंट सेवन फाइव करोड़ का एक कनाल का विला होगा और ये गोल्फ कोर्स फेसिंग होगी गोल्फ कोर्स के अंदर होगा इनफैक्ट और ये आप देख सकते हैं बल्कि इनफैक्ट गोल्फ की मैंने पहले भी बात की थी कि आपको होल्स इवन तो नॉमिनेटेड है तो साइट पर इस वक्त ट्वेंटी फोर आवर गोल्फ कोर्स में काम हो रहा है और जो इंडिविजुअल विजिट करते हैं जो गोल्फ कोर्स के डिजाइनर हैं पीटर हेराडाइन जिन्होंने डिजाइन किया है और उन्हें जो उनके नुमाइंदे हैं पाकिस्तान में उनसे वहाँ पर मिल भी सकते हैं इंटरव्यू भी कर सकते हैं तो जो 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 इंडिविजुअल में इंटरेस्टेड हैं विलाज़ में वो उनसे जाके सेल्फ ब्रीफिंग ले सकते हैं कि हाँ ये किस तरह के विलाज बनेंगे ये दो कनाल के विलाज़ हैं जिनके मॉडल ये वाले बन रहे हैं आई थिंक चार या पाँच विला मॉडल हैं जो भी इसमें ब्लॉक ए में स्ट्रीट वन पर तैयार हो रहे हैं और जो ये वाले विलाज हैं येलो कलर में ये वाले विलाज यहाँ पर डिज़ाइन बन रहे हैं इनका और जो आपको ये वाले प्लॉट्स नज़र आ रहे हैं इस तरह का कलर आपने पहले कभी नहीं देखा होगा ये बेसिकली 15 मरला के विलाज हैं तो आप यहाँ पर अगर आपके ब्लॉक ए में इन दो प्लॉट्स में इंफेक्ट अगर मैं ट्राई करता हूँ कि मैं इसको लाइट करता हूँ देख सकें ये वाला जो सेंटर विलाज आपको नजर आ रहे हैं फिफ्टीन मरला के टू विलाज़ हैं मॉडल विलाज हैं जो आप ओवरसीज़ वन ब्लॉक ए स्ट्रीट वन पे जाकेट सेल्फ तो विज़िट कर सकते हैं और जो ये वाले विलाज हैं ये वाला जो विला है बेसिकली नॉट विलाज ये वाला जो विला ये एक कनाल का विला है जिसकी मैंने एक वीडियो बनाई भी थी जिसका ऊपर आपको उप आई बटन में लिंक भी मिल जाएगा और यहाँ पर आके दो कनाल के विलाज इस वाले पार्ट में बन रहे हैं जो गोल्फ कोर्स के अंदर मॉडल विलाज बनाए जाएंगे वो ये वाले होंगे इसमें यहाँ पे दस मरला के विलाज भी हैं जो ये वाले विलाज हैं ये जो पेयर बन रहा है ये 9.3 पॉइंट थ्री मरला नाइन पॉइंट थ्री मरला ऑलमोस्ट दस मरला के विलाज हैं ये फिफ्टीन मरला के विलाज हैं और ये वन कनाल का विला है नॉट विलाज और इसमें आगे ये जो दस मरला के विलाज हैं वो आएंगे इस वाले पार्ट में ये जो आपको लेक व्यू लेक व्यू ब्लॉक है जो बिल्कुल इस हेड ऑफ़िस की जब भी अब करंट हेड ऑफिस है वो इस पार्ट में है अगर आप विजिट करते हैं स्मार्ट सिटी तो ये हेड ऑफ़िस आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है तो इसके साथ जो मैंने एक्सेस की इस ब्लॉक में दो वीडियोस बनाई हैं क्योंकि यहाँ तक एक्सेस बड़ी आसान है तो इस ब्लॉक के जो विलास इसमें बनेंगे वो होंगे दस मरला और बारह मरला के प्लाट्स या विलास वट एवर द केस में भी लेकिन अभी तक कन्फर्म नहीं है हाँ गोल्फ़ कोर्स के अंदर जो विलास होंगे उनमें ये जो ब्लू वाले प्लाट्स हैं ये कुछ कमर्शियल रिजॉर्ट्स या इस तरह के प्लाट्स होंगे तो ये वाले तो हो गए कमर्शियल प्लाट्स ये वाले पंद्रह मरला के प्लाट्स ये दो कनाल के प्लाट्स जो लाइट येलो हैं और ये वन कनाल के प्लाट प्राइज़ विल बी हाफ दैन एटीन ये मैंने मैनेजमेंट से कंफर्म किया था क्योंकि सबसे पहले मैंने प्राइज़ का पूछा था जब मैंने मैप देखा था तो ये वो वा वाले प्लाट्स हैं तो ये वर्सेज प्राइम के ओवरऑल ब्रीफिंग होगी आपको होपफुली काफ़ी हद तक अच्छा आइडिया हो गया होगा मैं आपको सेटेलाइट इमेजेस की दिखाता हूँ ये मेन रोड है जो एक्सेस वन रोड जो कनेक्ट करेगा डायरेक्टली एग्जेक्टिव ब्लॉक को और इस ब्लॉक के साथ यही आगे जाके लिंक करेगा विद द मेन 400 फीट वाइड रोड और इस तरफ जो है एक्सेस थ्री इस एक्सेस थ्री पे जो प्लॉट्स हैं वो आपने देखें ये रोड बना हुआ है 120 फीट वाइड बोलेवर्ड जो भी आज की डेट में स्मार्ट सिटी विजिट करता है तो वो यही रोड यूज़ करता है टू तो एंटर इन द स्मार्ट सिटी तो करंटली आने वाले छः दिनों में छः महीनों में ऑलमोस्ट ये वाला रोड भी तैयार हो जाएगा कंप्लीटली उसके बाद एक्जेक्टिव ब्लॉक की मार्केट वैल्यू काफ़ी ऊपर जाएगी और होपफुली काफ़ी अच्छे रिजल्ट आएंगे एक्जैक्टिव ब्लॉक के लिए सो दिस वॉज ओवरऑल वीडियो ऑफ ओरसेस प्राइम होपफुली काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन हो गया होगा क्योंकि मैंने ट्राई किया था कि ना मैंने टाइम थोड़ा इसलिए लिया वीडियो बनाने में हालांकि मैप तो शाम को लॉन्च हो गया था तीन चार बजे आ गया था तो थोड़ा तो टाइम इसलिए लिया था कि मैं आपसे आपको डिटेल गूगल अर्थ पर आकर एक्सप्लेन कर सकूं क्योंकि बहुत मुश्किल मुश्किल होता है मैप को टैली टेल, करना विद गूगल अर्थ ताकि आपको आइडिया मिल सके कि कौन सी जगह एलिवेटेड है ये वाली एरिया जो नज़र आ रहा है आपको पार्क का ये थोड़ा सा डिप्रेशन का एरिया था तो सोसाइटी ने इसको ओवरऑल पूरे ब्लॉक को ही इस पूरे पार्ट को ही एक पार्क बना दिया है ये वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड है जैसे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको इट विजिट भी करते हैं बल्कि इनफैक्ट अगर आप अगर इट देखें जाके साइड पर तो काफ़ी हद तक आइडिया मिल जाएगा ये वाला जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड है दूसरी साइड पर ये वाला जो पार्ट है सी ब्लॉक का ये सबसे ज़्यादा एलिवेटेड ब्लॉक है शरीय भाई अगर अभी वीडियो देख रहे हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा जो प्लॉट सेलेक्ट हम कल कर रहे थे वो अच्छा प्लॉट है क्योंकि काफ़ी ज्यादा एलिवेटेड ब्लॉक है ये नेक्स्ट इज़ ये जो ब्लॉक है ओवरऑल ये वाला सेंटर पार्ट जितना भी है इसका ये काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड है तो दोज इंडिविजुल वॉन्ट टू सेलेक्ट अ प्लॉट इन दीज ब्लॉक्स मस्ट सेलेक्ट दिस प्लॉट बिकॉज यहाँ पे आपको जितनी एलिवेशन की अच्छी प्रेफरेंस मिलेगी उतनी किसी और ब्लॉक में नहीं मिल सकती कनाल के लिहाज से कोई इंडिविजुअल जाना चाहता है पर्सनल सजेशन इज इसके ब्लॉक एफ एंड ब्लॉक एच क्योंकि मोस्ट फेवरेट ब्लॉक है आई वॉन्ट सजेस्ट ब्लॉक बी क्योंकि ब्लॉक बी में ये वाला पार्ट इतना एलिवेटेड नहीं है डिप्रेशन का इनफेक्ट प्लाट है जब आते हैं तो ये वाला पार्ट आपको स्लोप से नीचे आना पड़ता है क्यों स्लोप बनी हुई नीचे की तरफ तो दिस इज नॉट स्ट्रांगली रिकमेंडेड एंड दिस एच ब्लॉक इज स्ट्रॉली रिकमेंडेड मैंने ये एक्सप्लेन करता हूँ दिस एच ब्लॉक एंड आर ब्लॉक आर स्ट्रॉगली रिकमेंडेड एफ ब्लॉक एंड एच ब्लॉक आर स्ट्रॉली रिकमेंडेड ये काफ़ी अच्छे ब्लॉक्स हैं इन टर्म्स ऑफ अगर लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू गोल्फ कोर्स जिसटेंट है या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि मेन रोड से डायरेक्ट एक्सेस है तमाम के तमाम प्लॉट्स को सो व्यूज डिस पॉजिज फ्रॉम अगर आपको स्मार्ट ने में बुकिंग के वाले से कुछ मालूम चाहिए तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर और, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजमान जी की को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक तो के लिए खुदा हाफिज़